चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज पटना पहुंचे और पटना पहुंचते ही मीडिया से बात करते हुए कोरोना पर कहा है कि बिहार में चिंताजनक स्थिति है, बिहार सरकार को चाहिए कि इस पे गंभीर रूप से वो सजग हो और इस पे विचार विमर्श करे कि बिहार में कैसे कोरोना के चैन को तोड़ा जाए। और उसके बाद जो है मधुबनी नरसंहार पर बात करते हुए कहा है कि जब इससे पहले जो सुशील मोदी ट्वीट किया था और कहा था कि जिस तरह से इसमें आरजेडी नेताओं के समझौता की बात कही थी, उस पर जवाब देते हुए कहा है कि सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए सुशील मोदी जो है ऐसी बातें करते हैं, उनको भाजपा जो है अपने पार्टी से रिजेक्ट कर चुकी है, बिहार से रिजेक्ट कर चुकी है। सुशील मोदी जो है सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए वो ऐसी बयान देते हैं। और उसके बाद पश्चिम बंगाल के चुनाव पर बात करते हुए कहा कि जिस तरह से ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग ने फैसला लिया है, उनके चुनाव प्रचार पर 24 घंटे का रोक लगा दिया था, उसको लेकर के चुनाव आयोग पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव, उनके बातों को पहले सुनिए। लाओ क्या लाओ लोगो, बताइए तेजस्वी जी, कोरोना काफी बढ़ गया देश में, क्या लगता है? कोरोना बढ़ी है तो हम सब लोगों को सावधानी जो है रखनी पड़ेगी, सरकार को भी जो है खास इंतजाम जो है वो करने की जरूरत है। जो सुशील मोदी ने जो बयान दिया है वो किया है अगर बंगाल में सरकार बनती है तो बिहार को रोजगार मिलेगा। सुशील मोदी जी तो अनर्गल बयान देने में माहिर है। मधुबनी जो उन्होंने ट्वीट किया उसका क्या हुआ वो आप सब लोग जानते हैं। जहाँ तक बात ऐसी बातें अगर सुशील मोदी जी करते हैं तो कोई मतलब ही नहीं है, वो आउट ऑफ सीन है। बिहार बीजेपी ने उनको दरकिनार कर दिया है, अब वो उल्टी सीधी बात करके केवल न्यूज़ में बने रहना चाहते हैं। पहले आप पर भी आरोप लगाए थे कि आप संरक्षण दे रहे हैं अपराधियों को, बैन लगा दिया ममता बनर्जी पर, बैन लगा दिया असंवैधानिक और लोकतांत्रिक फैसला चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग जो है अब भाजपा आयोग रहेगी, चुनाव आयोग को जो काम करना चाहिए वो काम ना करके जो सत्ता दल के जो लोग हैं उसकी गुलामी कर रही है और एक बीजेपी के सेल के तरीके से चुनाव आयोग काम कर रही है। आप पर भी आरोप लगाए थे सुशील मोदी ने कि आप संरक्षण दे रहे हैं अपराधियों को मधुबनी कांड में, ट्वीट किया था तो सब कुछ पता ही है। जब उनके पिता का बयान आ ही गया तो हमको सफाई देने की जरूरत ही नहीं है। दो बीजेपी विधायकों का भी नाम आ रहा है तेजस्वी जी उस कांड में। अरे पहले तो उनको धर पकड़ना चाहिए, हम लोग तो मांग कर ही रहे, यही तो साथ हम कई मीडिया के साथी हमारे साथ भी गए, हमने जो बातें सुनी वो आप लोगों को बताई और बिहार की जनता को बताई, सरकार को बताई, ठीक पुलिस को तो कार्रवाई नहीं जा रहे हैं। तो आपने सुना तेजस्वी यादव के बातों को जो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग नहीं है, भाजपा आयोग है, ये बीजेपी के एजेंट के तरह काम करती है, जो 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 सत्ता में लोग बैठे हुए हैं उनके इशारों पर ये चुनाव आयोग काम करती है। और मधुबनी नरसंहार पर बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि जब पीड़ित परिवार के पिता का बयान आ गया तो इस पर मेरी प्रतिक्रिया की कोई बात ही नहीं बनती है, सुशील मोदी जो है सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए अनर्गल बयान देते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना पहुंचते ही बड़ा हमला किया है विपक्ष पर और सरकार पर कोरोना को लेकर के निशाना साधा और कहा है कि सरकार को गंभीर रूप से इस पर विचार विमर्श करना चाहिए कोरोना के चैन को तोड़ने के लिए बिहार में। आपको हम तमाम ऐसी खबरों से लगातार अपडेट रखेंगे। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द